हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मैंने अपना ब्लॉग किया है शाम के टाइम से शुरू, तो मैं शाम के बना रही हूँ करेले की सब्जी, और है ना जो करेले के छिक्कल होते हैं ना उसकी भी मैं बनाऊंगी। उसमें चने की दाल डाल के और हरी मिर्ची डाल के बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, आप भी एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो ये है सुबह का टाइम और हमारी हो गई है मॉर्निंग ड्रिंक तैयार, तो इसको मैं आराम से सिप सिप करके पी लूँगी। और ये है ना फैट कटर ड्रिंक, काफ़ी मतलब फ़ायदा कर रही है, बहुत वेट लूज हो रहा है मेरा इससे। और बस मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना था मॉर्निंग वाले मेरे सभी काम हो चुके हैं। तो मैंने ले लिया है ब्रेकफास्ट, तो आज ब्रेकफास्ट में हम ये खाएँगे बेसन का चीला, और ये है ना चने की जो सब्जी बनती है ना हरी मिर्ची डाल के, मैंने वो बनाई थी, वो ले ली है थोड़ी सी। और चलो हम इसको खाते हैं। तो मैं यहाँ फिर से आ गई हूँ सीढ़ियों पर, तो मैं आज अपना ब्रेकफास्ट यहीं सीढ़ियों पर बैठ के करूँगी क्योंकि लाइट है नहीं है, अंदर है गर्मी, तो यहाँ सीढ़ियों पे आ रही है ठंडी ठंडी हवा, तो हम यहीं करते हैं। आइए आप लोग भी कर लीजिए। और हमें ना ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्थी करना चाहिए, और अगर हम हेल्थी ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमें वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत अच्छा बना है चीला। हेलो दोस्तों, तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ लोग पूछते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइज करती हो जिससे आपकी बॉडी की चर्बी मतलब कम हो रही, तो मैं आज वो वाली आपको सभी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो मैं डेली करती हूँ, जिनसे मेरी बॉडी की चर्बी भी कम हो रही है और मतलब शरीर बॉडी भी थोड़ी थोड़ी शेप में आने लगी है। तो आज मैं सारी वो एक्सरसाइजें मैं अभी आपको करके बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि किस एक्सरसाइज से किस बॉडी में मतलब किस जगह का फैट बर्न होता है, ये सारी मैं एक्सरसाइजें आपको बताने वाली हूँ अभी। तो आज की एक्सरसाइज मैंने ना ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टार्ट की है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने 15-20 मिनट की रेस्ट ले ली थी, उसके बाद मैंने की है। और ये वाली जो एक्सरसाइज इससे ना आपका कमर शेप में आती है, इसके पहले जो की थी उससे आपकी पूरी बॉडी का फैट बर्न होता है, और इससे है ना आपकी टम्मी और ये जो जांघों का फैट होता है वो कम हो जाता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इनसे पूरी बॉडी का ही फैट बर्न होता है, इससे साइड का फैट जाता है, जो भी अपने ये आर्म्स के नीचे का जो फैट होता है ना वो बर्न हो जाता है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, आप है ना सभी के 5-5 सेट कीजिए, आप है ना ऐसे 20 या 25 की काउंटिंग के आप अपने सेट बना लीजिए, और 5 सेट करने हैं हर एक्सरसाइज के। इस तरीके से अगर आप अपने आप को 30 से 40 मिनट दोगे तो आपका फैट ज़रूर बर्न होगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को ऐसे ही एक्सरसाइज करके अपना फैट बर्न कर रही हूँ। और ये है ब्रेस्ट की एक्सरसाइज, जिससे हमारे ब्रेस्ट शेप में आते हैं, और इसके जो बाजू के अपने जो पीछे भी फैट होता है ना इस वाली एक्सरसाइज से वो भी कम हो जाता है। आपको दिख रहा है मेरा काफ़ी फैट कम हुआ है, और इससे अपनी जो बाजू में रहता है ना वो भी फैट कम होता है, और जो बाजू में दर्द वगैरह होता है उसमें भी हमें इस एक्सरसाइज से बहुत आराम मिलता है। तो आप इस तरीके से इन एक्सरसाइजों को फॉलो करके आप अपना वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मैंने ऐसी एक्सरसाइज नहीं की है जो कि कोई कठिन हो कि आपसे नहीं। तो मैंने लगा ली अपनी लंच की थाली, तो इसमें आज मैंने बनाए हैं परमल आलू, और एक कटोरी दही, और एक रोटी, और सैलेड, सैलेड में है खीरा और एक छोटू सी प्याज। तो आज हमारा यही लंच है, तो चलो लंच करते हैं। तो मैं अपनी थाली लेके आ रही हूँ, तो मैंने एक ही रोटी ली है, ये देखो। तो अब हम क्या करें, और देखो मैं घी भी लगाती हूँ, ये नहीं है कि मैं मतलब रूखी रोटी खाती हूँ, घी लगा के ही खाती हूँ, ये देखो। और मैं इसके टुकड़े कर लूँगी, तो इस तरीके से अगर आप वेट लॉस अपना कर रहे हो तो आप भी इस तरीके से टुकड़े ज़रूर कर लें, और एक रोटी के कम 20-25 टुकड़े बना लो, जिससे कि हमें ना रोटी चबाने में आसानी होती है, और हमें ना कम से कम 32 बार चबाना है, एक आप दो बार कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना तो करना ही है। देखो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और आइए और आप लोग भी खा लीजिए, लंच कर लीजिए, और इसको बिल्कुल आराम आराम से चबाना है, इतना चबाना है कि बिल्कुल चीप करके खाना है इसको। खा
खाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। खाना खाने के बाद हमें तुरंत आराम नहीं करना है, ना ही लेटना है। खाना खाने के बाद आप या तो थोड़ा बहुत टहल लीजिए या आप अपना कोई भी काम कर लीजिए। तो मेरा सारा काम हो गया है और खाना खाए हुए मुझे हो गया है 1 घंटा। तो मैं अब पी रही हूँ ग्रीन टी, अब मैं थोड़ा करूँगी इसके बाद आराम। मैंने 1 घंटा आराम कर लिया है और बारिश बराबर चल रही है, अभी भी बारिश बंद नहीं है और तेज़ वाली बारिश नहीं है, रिम झिम जो होती है ना वही बारिश हो रही है। गुड इवनिंग दोस्तों, हो गई है अब शाम का टाइम है और हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही थी कल से, जो अभी हुई है बारिश बंद, तो काफ़ी मतलब बारिश हो गई थी और जैसे कि गर्मी भी पड़ रही थी तो उससे भी थोड़ी राहत मिल गई है, ठंडक हो गई है, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है, पूरे दिन बारिश हुई है, आज भी हुई है और कल भी हुई है, तो 24 घंटे से ऊपर ही बारिश हुई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे मेरी बॉडी भी शेप में आ रही है और मेरा वेट भी कम हो रहा है, और मैंने आपको मतलब वेट करके भी दिखाया है कि मतलब मेरा वेट इतना है, और सॉल्ट फ्री डे से भी बहुत अंतर पड़ता है। अगर आप 32 बार कर रहे हो तो हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करें, और 32 बार में है ना खाना आराम से चबा चबा कर आप खाइए, एक रोटी के 20-25 टुकड़े कीजिए। ये बात तो ये मान लीजिए मैं हर वीडियो में ही बोल रही हूँ कि आप जितना चबा कर खाना खाओगे उतना ही आपको मतलब फ़ायदा रहेगा, क्योंकि धीमे धीमे अपन खाना चबा चबा कर खाते हैं ना, तो अपन को ये ऐसा लगता है कि हम काफ़ी देर से खाना खा रहे हैं, वो पेट भी फुल हो जाता है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए जो मैं कर रही हूँ। मैं आपको और भी एक्सरसाइजें बताऊँगी धीरे धीरे, मतलब जब भी जिस एक्सरसाइज की मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये बॉडी हर एक्सरसाइज बॉडी पर हर जगह अलग अलग असर दिखा रही है अपना, तो रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और एक हाउसवाइफ होकर मतलब हर किसी के पास टाइम नहीं रहता, हर एक हाउसवाइफ के पास सारे दिन बिजी रहना, लेकिन मेरा यही कहना है कि हम सारे दिन काम करते हैं तो कम से कम अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। मैंने भी कोशिश की तभी मैं निकाल पाई 1 घंटा अपने लिए। अगर आलस करेंगे तो हम कभी भी अपना मन चाह बॉडी का शेप नहीं पा सकते और ना ही हमारा वेट कम होगा। और एक हमारे अंदर कमी रहती है, क्या रहती है, हम कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी खा पी लेते, ऐसा ना करें। मैं भी पहले करती थी लेकिन मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, अब मैं नहीं ऐसा करती हूँ। मैं सुबह ब्रेकफास्ट लेती हूँ और दोपहर में लंच ले लेती हूँ, पानी भी पी रही हूँ। बस आज मैंने पानी नहीं पिया है ज़्यादा, क्योंकि आज ठंडक हो गई थी, थोड़े बिजी भी थे, तो आज मैंने नहीं पी पाया है जितना पानी मुझे पीना था डेली। तो मैंने देखो आपको ये बताया, क्योंकि मैं आपको अपनी हर मतलब वेट लॉस की जर्नी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। और एक मेरी प्यारी सी सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि दी आपका मतलब आपका स्टार्टिंग में वेट कितना था। तो सिस्टर मेरा वेट है ना 85 kg था, 85 kg से अब मेरा 79 हो गया है, और अब देखूंगी सॉल्ट फ्री डे जब मैं करूंगी उसके बाद मेरा कितना घटता है वो भी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नमक क्या है ना हमारे अंदर है ना फैट बढ़ाता है, तो हमें नमक का कम से कम ही सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स खाइए आप, हेल्दी डिनर की मतलब आपको डिनर तो लाइट ही करना है, हेल्दी सैलेड वगैरह हैं, ये हैं फ्रूट्स हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, हेल्दी खाना खाओगे तो आपको वीकनेस भी नहीं होगी। क्योंकि उस दिन एक मेरी सिस्टर का भी कमेंट आया था कि वीकनेस हो रही है, तो अगर आप बिल्कुल डाइटिंग पर रहोगे तो वीकनेस होगी, हमें डाइटिंग नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, बस जो भी हम खाते पीते हैं ना उसकी क्वांटिटी, जैसे हम इतना खा रहे हैं ना तो उसकी क्वांटिटी बस हमें इतनी घटा देनी है, बस इतना कम कर लेना है। यानी कि 4 रोटी हैं तो आप पहले 3 कर लीजिए, 3 से फिर आप 2 कर दीजिए, और आराम से चबा चबा कर खाइए। जब आप खूब चबा चबा कर खाओगे ना तो आपको है ना 2 रोटी भी नहीं आपसे खबेंगी, क्योंकि पेट बहुत जल्दी फुल हो जाता है फिर, और खाना आराम से हमारा पच जाता है। और सुबह के टाइम है ना आपको अगर फैट कटर ड्रिंक बनानी है आपको मतलब अपना फैट गर्म पानी पी लीजिए, गर्म पानी नहीं है तो आप जीरे का पानी पी सकते हो, सौंफ का पानी पी सकते हो, धनिया का पानी पी सकते हो, जो भी आपको सूट हो, मेथी का पानी, अभी क्या ना गर्मी का टाइम है तो मेथी का पानी हो सकता है नुकसान कर जाए, और अजवाइन का पानी भी अभी नुकसान कर सकता है, क्योंकि इनकी तासीर होती है गर्म, तो गर्म तासीर होने के कारण ये हमें नुकसान कर जाएंगे। तो हमें क्या ना बड़े सोच समझ कर
ये पानी वाला डिसीजन लेना आप लोग, आपको जो पानी सूट करे। आप है ना अभी लेमन का पानी पी सकते हो, अगर आपके घुटने वगैरह में दर्द है तो आप लेमन का पानी नहीं पिए, और उसमें हनी डाल के और आधा लेमन निचोड़ के अच्छे से उसमें मिक्स करके और चिया सीड वगैरह डाल के वो आप ले सकते हो। अभी मैं जैसे कि विनेगर वगैरह है ना, एप्पल साइडर विनेगर, अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ मैं उसको भी स्टार्ट करूँगी। मैं जब भी उसको स्टार्ट करूँगी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और आज है ना मुझे डिनर नहीं करना है, क्योंकि 7 बज चुके हैं, और आज क्या है ना मेरा ब्रेकफास्ट भी हेल्दी था और लंच भी हेल्दी हो गया था, तो मतलब तो मेरा पेट फुल है। बस शाम को मैं रात में क्या करूँगी, एक गिलास दूध ले लूँगी, उसको ही पी के मैं सो जाऊंगी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या मुझसे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना। वैसे मैं कोई डॉक्टर या वो तो नहीं हूँ वेट लॉस के लिए कि मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो आप उसको फॉलो ज़रूर कर सकते हो। और अगर 32 बार कर रहे हो ना, तो बस आपको 32 बार में आपको है ना ये वाली एक्सरसाइजें थोड़ी शामिल करनी है। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है, कल फिर मिलेंगे। और जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।